हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल सोम्या सृष्टि। तो आज हम बनाने वाले हैं रेडी मिक्स से गुलाब जामुन। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडी मिक्स से गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने एक ये रेडी मिक्स पैकेट लिया है। ये 200 ग्राम का पैकेट है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। हमें इसका एकदम सॉफ्ट डो बनाना है। अब हाथ पर थोड़ा सा घी लगाएंगे और डो को मसल मसल कर चिकना कर लेंगे। ये देखिए, सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लिए। अब इसे ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक यहाँ पे हम चाशनी बनाएंगे। तो एक बर्तन में 3 कप चीनी डालेंगे और 3 कप पानी डालेंगे। यहाँ चीनी और पानी का मात्रा बराबर रखेंगे। अब गैस को ऑन करके चीनी को पानी में घुलने तक पकाएंगे और थोड़ी थोड़ी देर में इसे हम चलाते रहेंगे। देखिए, चाशनी में उबाल आ रहा है और चीनी भी पूरी तरीके से पानी में घुल गई है। ये हमने 5-6 इलायची ले लिए हैं क्रश करके। ये हम इसमें डाल देंगे और चाशनी को और 2 मिनट उबलने देंगे। दो मिनट हो गई है। यहाँ पे हमारी चाशनी बनकर रेडी हो चुकी है और चाशनी की कंसिस्टेंसी इस तरीके की रहना चाहिए। ये देखिए, अब गैस को ऑफ कर देंगे और इस चाशनी को ढक के रखेंगे। और यहाँ पे हमारा डो सेट हो गया है। थोड़ा सा हाथ पर घी लगा करके हम इसे थोड़ा सा और चिकना कर लेंगे। गुलाब जामुन बनाने के लिए हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। गुलाब जामुन अपने पसंद के अनुसार थोड़े छोटे या थोड़े बड़े बना सकते हैं। अब हम इसे गोल करेंगे। तो थोड़ा सा हाथ पे घी लगाएंगे, मिला ले इसे और एक आटे का टुकड़ा उठाएंगे, गोल करेंगे। इसे हमें अच्छे तरीका से चिकना गोल बनाकर तैयार करना है। इसमें क्रैक्स नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से गोल बना लेंगे और ये गोले को हम प्लेट में रखते जाएंगे। सारे गोले हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, सारे गोले बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे तलेंगे। गुलाब जामुन तलने के लिए यहाँ पे हम गैस को ऑन करके कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल गर्म होने दिए हैं। ऑयल को हम चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा डो ऑयल में डालेंगे। डो हमारा अच्छे तरीके से सिक रहा है। गैस को फ्लेम लो रखेंगे। इसे निकाल देते हैं। अब गुलाब जामुन तलने के लिए डाल देते हैं। गुलाब जामुन को लो फ्लेम पे तलना है और ये थोड़े से नीचे से सिक जाए तो हल्की सी करछी लगा के घुमाना है। गुलाब जामुन के ऊपर डायरेक्ट करछी नहीं लगाना है, ऑयल इसके ऊपर डालना है और इसे चारों ओर अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है।
अब गुलाब जामुन थोड़े से सीख चुका है। अब हम इसके ऊपर डायरेक्ट करछी लगाकर इस तरीके से घुमा सकते हैं। अब ये चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसे निकाल लेते हैं। और हल्की गरम चाशनी में इसे डाल देते हैं। सारे गुलाब जामुन इसी तरीके से तलकर तैयार कर लेंगे। सारे गुलाब जामुन तलकर तैयार कर लिए हैं। एक बार के गुलाब जामुन तलने में 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। गुलाब जामुन को हम चाशनी में अच्छी तरह से डुबा देते हैं और इसे 1 घंटे के लिए चाशनी में रहने देंगे। ये चाशनी सोख कर तैयार हो जाएगा। 1 घंटे बाद गुलाब जामुन चाशनी को एब्जॉर्ब कर चुके हैं। बहुत ही अच्छे गुलाब जामुन बने हैं। गुलाब जामुन सर्व करने के लिए रेडी हो चुकी है। ये देखिए, बहुत ही नरम और बहुत ही जूसी गुलाब जामुन बने हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।